हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। दोस्तों आज की इस वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई आज मैं फिर से खेलने वाला था ये टाइटन स्ट्राइक, यानी कि अपना टाइटैनिक स्ट्राइक मोड। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है एरेंगल में जब से ये न्यू अपडेट आया है, मतलब ये जो न्यू थीम आई है, मतलब तो इसमें आपको मैंने बहुत ज्यादा गॉडज़िला दिखा चुका हूँ बैक टू बैक। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इसके जो मैप में मॉन्स्टर है ना वो भी दिखाने वाला हूँ। मतलब भाई ये जो एरेंगल मैप है, इसमें जो टाइटन स्ट्राइक मोड है भाई, इसमें जो है आपको कुछ मॉन्स्टर भी मिलते हैं देखने को, जिसमें से मैंने आप लोगों को एक स्पाइडरमैन दिखाया था, यानी कि क्रैब दिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, रॉक क्रैब जो था। लेकिन भाई इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक मॉन्स्टर और है भाई, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब फिलहाल दोस्तों मैंने सोचा था यार ये वाला जो मैच है ना, मैं बहुत ज्यादा रश खेलूंगा और आप लोगों को मतलब रश करके दिखाऊंगा कि भाई मतलब कैसे मैं हाई किल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं उतर गया सिवरनी, क्योंकि मुझे लगा भाई यहाँ पे सिवरनी में बहुत बंदे आते हैं, आपको पता है भाई हॉट ड्रॉप भी दिख रहा था मेरे को देखने में, तो मैंने कहा चलो भाई सिवरनी उतर जाते हैं। और साथ में दोस्तों ये जो मेरे साथ तीनों खेल रहे थे, मतलब ये बियॉन्डर के दोस्त थे, तो मैंने कहा चलो भाई इनके साथ ही आज खेल लेते हैं गेम प्ले, क्योंकि बियॉन्डर ऑफलाइन था, तो मैंने कहा चलो आज इनके साथ एक गेम प्ले बना लेते हैं। अब फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे लैंड कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे कूद जाता हूँ फटाफट से, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितने बंदे आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं अपनी आँख चारों तरफ घुमाता हूँ तो भाई मेरा जो है सर चकरा जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे तो बंदे ही नहीं आ रहे भाई, स्कैम हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ट्रायो आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, वो भी अंगूर के गुच्छे में। अब यहाँ पे दोस्तों ये पबजी का न्यू ग्लिच है, पता नहीं क्या है, आप देख सकते हैं सामने वाले जो बंदे ना वो कुत्ते में दिखते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा जो है नीचे कूद रहा हो। अब फिलहाल दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे उतरता हूँ ना, तो भाई गन की मारा मारी आपको पता ही है भाई हर जगह ही है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से उतरती, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे एक स्टॉक वगैरह दिखता है मेरे को, कमलेश की हरी वाली गोली मिलती है और सामने पेट्रोल पड़ा होता है। तो यहाँ से दोस्तों मैं जो फटाफट से भागता हूँ चूरन की स्पीड में और इस शेक के अंदर आता हूँ। अब जैसे ही शेक के अंदर आता हूँ भाई यहाँ पे मेरे को शॉटगन मिलती है, तो मैंने कहा लगता है भाई आज ओम प्रकाश मिश्रा ही बनना पड़ेगा और शॉट लगानी है, यही करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो भाई मैं वापस भागता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ उस बिल्डिंग को लूटूंगा, लेकिन भाई मेरी टट्टी निकल जाती है देख के उसको। और यहाँ पे नंबर तीन जो है कुछ ज्यादा छोड़ा और था। अब देखो मैंने एक बंदे को नॉक करा यहाँ पे, लेकिन भाई नंबर तीन नॉक हो जाता है, तो भाई मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ और इसको रिवाइव देने बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इसके पेट में दर्द हो गया था, ये घुटनों पे आ चुका था, तो भाई इसको रिवाइव तो देना पड़ेगा ना, अपने टीममेट को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रिवाइव देता हूँ और मैंने बता देता भाई देखो मैंने एक नॉक कर दिया, तुम्हें जो करना है भाई कर लो। अब फिलहाल दोस्तों मैं तो भाई फॉल बैक कर लेता हूँ, मुझे पता था भाई यहाँ पे ना मेरे पास वेस्ट है ना हेलमेट है, और वो लोग कैम करके बैठे हैं, वो पेल देंगे भाई वो में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं तो समझदारी दिखाता हूँ और मैं जो आ जाता हूँ इस साइड में। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ से मेरे को DBS मिल जाती है और साथ में छोटी 14 मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब मेरे पास कोई बंदा आया तो शायद मैं सरवाइव कर जाऊंगा। यार मेरे पे भी हेलमेट रश नहीं है, ना मैं भी बताता ना इनको मुपड़े। यार लैग क्यों हो रहा है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ से जो है मेरे को थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी मिल जाता है अपनी छोटी 14 के लिए, तो भाई उसमें भी 30 गोली हो गई थी। और यहाँ पे दोस्तों मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है रोड की तरफ कोई बंदा तो नहीं आया ना, तो बोलते नहीं कोई नहीं आया भाई, आराम से जो है लूटो। तो दोस्तों पहले मैं ना सिवरनी में थोड़ी सी लूट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था लूट जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है सामने लूटते लूटते जो है मौली मिल जाती है, करोना का काढ़ा दारू मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो ये सही चीज़ मिल गई, उनके ऊपर काम आएगी फेंकने के। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे आता हूँ तो नंबर 4 पता नहीं क्या गेट के पास खड़े होकर टीपी भी ले रहा होता है। मैंने कहा भाई किसको देख रहा है भाई, तू हट यहाँ से, हट मेरे को ऊपर चढ़ने दे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जब तक हटता है तो मैंने कहा चल तू छोड़ यार, तू क्या ही हटेगा, मैं खिड़की से कूद के यहाँ पे दोस्तों गेट के ऊपर चढ़ता हूँ और इस रूफ के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जब मैं इस रूफ के ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ सामने जो है किसी ने 500 का बंडल फेंका होता है और भाई वहाँ पे मजे से बैठ के बीड़ी पी रहा होता है और वहाँ पे फायर भी चल रहे होते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार ये कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो भाई मैंने जो है थोड़ी देर होल्ड करा यहाँ पे और भाई सही बता रहा हूँ मैं स्मोक का जो है ना वेट करता हूँ, मतलब स्मोक का हटने का, तो भाई 2000 साल हो जाते हैं पूरे, लेकिन ये हटता नहीं है। अब फिलहाल दोस्तों ये तो हट नहीं रहा था, तो मैं क्रिश की तरह जो है जंप मारता हूँ यहाँ से और मैंने बोला नंबर 2 चल तू चल, मैं और नंबर 2 यार से लेफ्ट से, और मैंने इन दोनों को बोल दिया तुम दोनों जाओ राइट से और इनको पेलते हैं। अब फिलहाल दोस्तों मेरे पास सिर्फ शॉटगन थी, लेकिन भाई थोड़ी सी उम्मीद थी क्योंकि ये जैक हैमर है, आपको पता है, मैंने आपको बताया ना भाई ये थोड़ी सी मेरे लिए सही है, मतलब DBS जो है ना बाकी शॉटगन के मुकाबले सही है, वो मेरी चिपक जाती है, अदरवाइज मैं कोई भी शॉटगन चलाता हूँ इतनी चिपकती नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मैं जो है आगे आता हूँ और यहाँ पे टीपी भी लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं टीपी भी लेता हूँ तो मेरे को बंदा दिख जाता है छज्जे पे और मेरे को देखते लेट जाता है भाई चूरन की स्पीड में। मैंने कहा रुक तेरे ऊपर तो कोरोना का काढ़ा फेंक के मारना पड़ेगा तभी तू बाहर आएगा, जब तेरे को कड़वा कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा ना तो तू उछल के बाहर आएगा। अब दोस्तों ऐसे ही होता है जैसे मैं इसके ऊपर काढ़ा फेंकता हूँ उछल के पड़ता है, आई मम्मी किसने पिला दिया काढ़ा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है भागता है उछल के और यहाँ पे दोस्तों गुस्से में जो है नंबर 3 को नॉक कर देता है और नंबर 2 यहाँ पे भी नॉक हो जाता है, मतलब ठीक है। तो भाई मैंने कहा यार ये क्या हो देख लिया भाई, मैंने यार क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस बंदे को मारता हूँ पूरा और नंबर 4 भी जो है गुस्से में भाई यहाँ पे सोचता मैं पीट दूंगा सबको, लेकिन भाई यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वो भी पीट जाता है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है मैं पूरा स्क्वाड क्लच कर देता हूँ, मतलब 2 ही बंदे क्लच करता हूँ भाई, क्या क्लच कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे जो तीनों टीममेट है उनके तीनों के पेट में दर्द हो जाता है, घुटने पे आ गए थे बेचारे तीनों के तीनों, तो भाई यहाँ पे मैं फटाफट से इनको रिवाइव देता हूँ, क्योंकि भाई इनके बिना जो है गेम प्ले अधूरा है भाई, मतलब फिर यार मेरी मदद कौन करेगा भाई, इनकी रिवाइव करना पड़ेगा भाई इनको। तो यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट से रिवाइव लेते हैं। अब सिवरनी पूरा खाली हो चुका था, तो मैंने
मैंने जैसे आपको बताया ज्यादा बंदे आए नहीं थे। अब दोस्तों इन लोगों को रिवाइव करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट से लगाता हूँ पट्टी और मतलब थोड़ी बहुत पैसे वैसे पीता हूँ ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी, क्योंकि भाई इन लोगों ने मेरी भी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। तो भाई मैं फटाफट से अपनी यहाँ पे हेल्थ पूरी करता हूँ और उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत हम सिवरनी को लूटते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास लूट की कमी थी। और लूटने के बाद दोस्तों हमारा ये प्लान था कि हम जाएंगे यहाँ पे सीधा जो है गॉडज़िला के पास। तो देखते हैं अभी कैसा प्लान रहता है, क्या रहता है और हम जो है गॉडज़िला के पास जाके क्या करने वाले हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत एक्सटेंड वेक्सटेंड मिल जाता है तो वो भी मैं उठा लेता हूँ और जितने भी काम की चीज दिख रही होती है ना वो सारी चीजें उठा लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का टोपा और बंबानी मिल जाता है, तो भाई बंबानी से मैं बन चुका था अंबानी। अब मुझे बस थोड़ी बहुत और लूट चाहिए थी। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को लूटते लूटते ना वेक्टर ट्रैक्टर मिल जाती है, तो मैंने कहा आज चलो वेक्टर ट्रैक्टर को चलाते हैं, क्योंकि भाई वेक्टर ट्रैक्टर जो है ना क्लोज रेंज में बीस्ट है भाई, अगर आपको नहीं पता तो आज आपको दिख जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब फिलहाल दोस्तों मैंने जो है वेक्टर ट्रैक्टर तो उठा ली थी, लेकिन आपको पता है मेरे को इस गन से बहुत ज्यादा एलर्जी है जो मैंने पकड़ रखी है भदड़ भदड़। तो मैंने कहा यार भदड़ भदड़ को भी रिप्लेस कर रहे हैं और उसके बाद निकलूंगा मैं सेवरने से, उससे पहले नहीं निकलूंगा। अब फिलहाल दोस्तों मैं इधर आता हूँ तो भाई मेरे को यहाँ पे पेप्सी और मिरिंडा एक साथ मिल जाती है दोनों। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, जरा इधर आओ मेरे पास जेब में आ जाओ मेरी। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को कमलेश की हरी वाली गोली मिलती है तो वो भी मैं उठाता हूँ। थोड़ा रोटेट रोटेट करना था, आराम से ले लेते हुए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लेवल 3 का टोपा सप्लाई कर देता हूँ भाई। मैंने कहा भाई किसी को चाहिए तो ले लो भाई, किसी काम आ जाएगा भाई, ठीक है। क्यों भाई लेवल 1 का और 2 का टोपा लगा के घूम रहे हो, पिट पिट जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो है वेक्टर ट्रैक्टर में जो है अपना होलो लगाता हूँ जिससे बंदों को खोलूंगा। और आप देख सकते भाई आज वेक्टर ट्रैक्टर को ज्यादा ही मिल रही। अब फिलहाल दोस्तों मेरे को जैसे यहाँ पे यूएमपी मिलती है ना तो भाई मैं यूएमपी उठाता हूँ और साथ में वेक्टर ट्रैक्टर उठाता हूँ और बदर बदर को बोल देता हूँ कि चल निकल पहले फुर्सत में, मेरे को नहीं चाहिए तू। अब यहाँ पे दोस्तों जो है बंदे जो है इतने में गाड़ी लेकर आते हैं और मैंने बोला था सीधा जो हम गॉडज़िला पे जाएंगे, लेकिन भाई ये जो गाड़ी लेके आए थे वो लेके आए थे अपनी ऑरेंज वाली टैक्सी, क्योंकि भाई इस ऑरेंज टैक्सी में दो ही बंदे बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये टैक्सी को हटाओ, एक बग्गी लेके आओ। अब यहाँ पे दोस्तों वो दोनों तो निकल जाते हैं अपनी ऑरेंज वाली टैक्सी में और हमें मिल जाती है यहाँ पे बग्गी। तो मैंने कहा भाई चलो धूम मचाते हैं, सीधा गॉडज़िला के पास चलते हैं, क्योंकि भाई वहीं पे बंदे होंगे, क्योंकि हमें बंदे तो मिल ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है ना गॉडज़िला के पास, गॉडज़िला को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे भाई दशहरा में रावण लगता है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं स्कूटर रोक रोक के देखते हैं ना, अरे भाई यहाँ पे रावण खड़ा हुआ है, अरे यहाँ पे रावण खड़ा हुआ है। तो इसको देख के ना भाई गॉडज़िला को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुमने जो है मेरे को मतलब यार मतलब क्या समझ रखा है मेरे को, मतलब मैं कोई वो होंगे देखने वाली चीज जो मेरे को बार बार आके देखते हो। और यहाँ पे जो अपनी लेजर बीम छोड़ देता है तो भाई हम चूरन की स्पीड में वापस भागते हैं, अरे भाई ये तो हमला कर रहा है भाई हम पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना थोड़ी बहुत लूट करते हैं, मैंने कहा भाई रुको मैं तो लूट करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरे दो बंदे ना वो अपना अलग ही भाई मतलब चूल में थे भाई, उनको पता नहीं क्या केड़ी का भूख थी या लालच थी भाई, वो जो है बंदे मारने के लिए भाई चिपट रहे को तैयार हो रहे हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे यार थोड़ी देर रुक जाओ भाई, अपने गॉडज़िला से मजे लेने दो, लेकिन भाई वो जो है भाई मानते नहीं है भाई, वो जो है दोनों भाई लड़ने में लग रहते हैं और उन लोगों को भाई कहीं एनिमी दिख जाते तो भाई वो बोलते चलो भाई मारते मारते वहाँ पे बंदे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है यार फटाफट चलते भाई, बग्गी खोल यार तो अपनी फटाफट से और चाबी लगाओ और भाई सीधा निकल जाओ इनके पास। अब फिलहाल दोस्तों ये दोनों लड़ रहे होते तो भाई इनको बचाना तो मुझे पड़ेगा ही, और अब देखना कैसे पेट का दर्द होता है इन लोगों को, मतलब जब जाएंगे वही नौक हो जाएंगे, जहाँ जाऊंगा वही नौक हो जाएंगे। तो भाई कैसे खेल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब फिलहाल दोस्तों अब देखते पहला बंदा नॉक हुआ, अब यहाँ पे दूसरा बंदा भी नॉक हो जाएगा, अगर मैं नहीं आता तो भाई इन दोनों की पेटी बन जाती। अब देखो मैं इनको कैसे मारूंगा, मैंने बताया ना वेक्टर ट्रैक्टर भाई बहुत सही गन है, तो देखो मैंने क्लोज में जैसे उसको मारा भाई वो कब खत्म हो गया उसको पता नहीं चला। अब फिलहाल दोस्तों मैं इस बंदे को जान के पैनिक कर रहा हूँ ताकि इसके बंदे आके मेरे ऊपर रश करे, लेकिन वो कर नहीं रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत और डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई कोई आता ही नहीं आगे इस पर। मैंने कहा ले तू तो मर, तेरे दोस्त सही बेकार भाई, तेरे को बचाने नहीं आ रहे, तेरी बेइज्जती कर दी भाई बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो है जाता हूँ ऐसे दिखाता हूँ कि मैं तेरे पर रश कर रहा हूँ, लेकिन जाता नहीं हो, और यहाँ से रोटेट मारता हूँ और इजी स्क्वाड वाइप। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाले स्क्वाड खत्म होने के बाद मतलब भाई यहाँ पे एक मैंने मारा एक वीस्ट ने मारा, तो हमने यहाँ पे भाई इजीली इनको खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों जब मैं इनकी लूट कर रहा था तो भाई मेरे को यहाँ पे मिल जाती है M416 द गॉड गन, तो भाई आपको पता ही है M4 कितनी फेवरेट है भाई मेरी, वो तो छोड़ूंगा नहीं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आज मैंने जो है यहाँ पे UMP फेंक के मारी और मैंने जो है यहाँ पे साथ में M4 रख ली। तो भाई और आज जो वेक्टर ट्रैक्टर आपको पता है मैं चला रहा था, तो भाई मैंने वेक्टर ट्रैक्टर अभी तक रखी हुई थी मतलब, ठीक है। तो मैंने कहा आज वेक्टर ट्रैक्टर को लंबा चलाते हैं थोड़ा, ठीक है देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं जो है कार का रेंटेड वेंटेड सब छोड़ देता हूँ वेक्टर के लिए,
और आगे निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है ऑरेंज वाली टैक्सी दिख जाती है, मतलब वहाँ पे सुनसान खड़ी होती है, तो मैंने कहा यार ऑरेंज वाली टैक्सी देख ऐसे मत कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे को धूम मचाते हुए ले जाऊंगा आज बंदों के पास। अब फिलहाल दोस्तों मेरे पास गाड़ी लेके आता हूँ, फटाफट से बोलता हूँ कोई भी एक बंदा मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि भाई इस गाड़ी में जो है एक ही बंदा बैठ सकता है। तो भाई ये जो ऑरेंज वाली टैक्सी है ना, मतलब वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही इसमें कमी है कि इसमें सिर्फ दो ही बंदे बैठ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं जो है चूरन की स्पीड में भागता हूँ धूम मचाते हुए, क्योंकि मुझे पता था गॉडज़िला जो है उसके पास जाना जरूरी है, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा गया होगा क्योंकि उसने अभी अभी बिल्डिंग तोड़ी थी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हम गाड़ी रोकते हैं तो भाई नंबर 3 बोलते हैं बंदे यहाँ पे, और हाँ भाई सही में बंदे होते हैं भाई, गाड़ी आई होती है। तो मैं फटाफट से इन कंटेनर के पास आता हूँ और यहाँ पे दोस्तों उसको बोलता हूँ कि भाई कवर टू कवर रही हो, क्योंकि उनके पास हाइट का एडवांटेज है, अगर वो ऊपर हो गया तो हमें खोल देंगे। अब फिलहाल दोस्तों इतने में ड्रैगन को भी गुस्सा देता है, यानी कि अपने गॉडज़िला गुस्सा देता है भाई, वो भी जो है एक यहाँ पे लेजर बीम फेंक के मारता है, एटॉमिक ब्रिज फेंक के मारता है, बोलता रहे हो तुम लोगों को समझा दिया मैंने 50 बार मेरे पीछा मत करा करो, लेकिन भाई तुम मान ही नहीं रहे हो। तो भाई इसलिए भाई उसको भी गुस्सा देता है भाई, वो भी अपनी बदबू सुंघा देता है, मतलब फेंक के मारता है एटॉमिक ब्रिज यानी अपनी बदबू। तो भाई अपनी बदबू फेंक के मारे उसने, और कुछ लोग बेहोश भी जाते हैं, मतलब जो उसकी चपेट में आते हैं भाई वो तो मर जाते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा रोटेट मारते हुए जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों रोटेट मारते मारते ना मेरे को मौका मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टीपी भी लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों अपना निकालता हूँ बम्बानी और फेंक देता हूँ भाई रैंडमली, मेरे को पता नहीं था बंदा कहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे 2 बम्बानी थे, मैंने दोनों के दोनों बम्बानी फेंक दिए। अब फिलहाल दोस्तों मैंने जो यहाँ पे बम्बानी फेंका और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निकल जाता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीछे आता हूँ कटरे की तरफ और जंप करके चेक करता हूँ कि कहाँ पे बंदे हैं। ऐसे नहीं जा, अभी नॉक होएगा फिर मैं तेरे को रिवाइव दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या देखता हूँ ना, एक बंदे को लोगों ने नॉकआउट कर दिया है, तो मैंने कहा अब अच्छा मौका रश करने का, और मैं जो रोटेट मार के ऊपर से आता हूँ यहाँ पे, फिर मैं देखता हूँ एक बंदे को पेट में दर्द हो गया, दूसरे बंदे को पेट में दर्द हो गया। अरे भैया तुम लोग घुटनों पे आते रहते हो दोनों के दोनों, और एक बंदा उस पर फिनिश हो जाता है, और देखो वेक्टर का जादू, मैंने यहाँ पे कैसे गोली मारी और यहाँ पे खत्म। अब फिलहाल दोस्तों भाई बार बार पेट पे आओगे, मतलब भाई बार बार जो है पेट पे आओगे भाई, पेट का दर्द होगा बार बार, तो डॉक्टर भी कितनी बार इलाज करेगा भाई आपका, लास्ट में आपको मरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 2 मर जाता है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पीछे ना M24 पड़ी थी, तो मैंने सोचा वो ले लूंगा, मतलब M24 भाई, मतलब मन कर रहा था स्नाइपर देख के, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार चल आज ले ही लेते हैं। पहले दोस्तों मैं यहाँ पे पेटियों में झांकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को काफी सही चीज मिल जाती है, मतलब आओ कमलेश मारो पड़ी होती है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन यहाँ मेरे पास ATAGS था ना और मेरे पास मतलब एक्सटेंड भी था, तो मेरे मन में आई कि भाई चलो यार M24 उठाई लेते हैं, M24 भाई उठाओ भाई, M24 भाई उठाएंगे हम, और भाई यहाँ पे जो हम चलाएंगे। तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है फटाफट से उठाई और मैंने कहा आज बनूंगा डायनेमो फिर से M24 लेके। अब M24 तो मेरे को मिल गई थी दोस्तों यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से और देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कमलेश की बहुत सारी गोलियां उठाता हूँ और बाकी जो भी चीजें होती है ना सारी फेंक वैक के यहाँ से दोस्तों फटाफट से निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया भाई मेरे पास 4 XP भाई चाहिए, तो किसी को ले लो, मैंने फेंक के मार्क कर दिया था, अब उससे तो मैं कुछ कर भी सकता था। तो दोस्तों ये दोनों जो है ना भाई देखो धोखा देकर निकल जाते हैं मेरे को, मतलब भाई अपनी ऑरेंज वाली टैक्सी उठाते हैं और भाग जाते हैं। मतलब मैंने कहा भाई तुम्हारा सही है यार, मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा चुल हो रही है बंदे मारने की, मतलब मेरे को तो मारने नहीं है बंदे, जैसे कि तुम्हें केडी बढ़ानी है भाई। देख रहे हो भाई दोनों के दोनों बंदे भाई निकल गए भाई मेरे को बिना बैठाए। अब यहाँ पे दोस्तों फिर मैं भी गाड़ी ढूंढता हूँ और यहाँ पे एक कोरोना का टीका लगाता हूँ ताकि भाई मेरी हेल्थ कम जाए, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक लैपटॉप भी लगा लूंगा ताकि भाई जो है मेरे को मतलब बार बार हेल्थ लगाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं फटाफट से दोस्तों यहाँ पे एक लैपटॉप भी लगाता हूँ बग्गी में बैठने से पहले। अब दोस्तों जैसे मैं बग्गी में बैठता हूँ तो मैं धूम मचाता हूँ निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि बंदे यार काफी कम बचे थे, मतलब सिर्फ 13 बंदे बचे थे, तो मेरे को किल भी करने थे, ठीक है। तो मैं निकल जाता हूँ फटाफट से और अब देखो क्या होने वाला हमारे साथ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो है ब्रिज की तरफ आता हूँ तो भाई मैं बड़े आराम से क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि ब्रिज कैम तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास जरूर बंदे हैं बहुत सारे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है मतलब मेरे को छोड़ के गए थे, तो भाई ये बोल रहे थे हमारे पास लाखों बंदे हैं भाई जल्दी आओ बचा लो। तो अब देखो दोस्तों यहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत मैं स्नैपिंग करता हूँ अपनी और डायनामो बनने की कोशिश करता हूँ, तो भाई देखो मैं कैसे इन लोगों को मारता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों मेरे को जो थोड़ा बहुत एंगल बनता है उन बंदों को मारने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले एक शॉट देता हूँ बॉडी शॉट लगता है और दूसरा मारता हूँ यहाँ पे, मतलब भाई उस बंदे को मैं सोचता हूँ चल फिनिश ही कर देता हूँ, मतलब मेरे एक टीममेट ने नॉक करा था, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों उस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे ये भाई ये मकड़ी आ जाती है, तो इस मकड़ी को मैं कितने सारे हेड मारता हूँ जिससे जो है यहाँ पे इजिली फिनिश हो जाती है, मतलब ये लोगों को देखो मैंने मदद करी, ठीक है। अब आप देखते जाना मेरी मौत कैसे होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे और बंदे थे तो आप देखते जाओ। अब फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सामने जब बंदे थे तो भाई ये बोल रहा होता है नंबर 3 भाई आ जाओ बचाओ मेरे को, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और यहाँ पे जो है ये जो पहले यहाँ से फायर करने की कोशिश करता हूँ जैसे कि आप देखते हैं, क्योंकि सामने जो है ना 500 का बंडल भी चसा रखा था सामने वालों ने, तो मेरे को एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ये हड्डियों के पास आता हूँ, मतलब ये हड्डी के ढांचे पड़े होते हैं, और यहाँ से दोस्तों इनका लास्ट बंदा इजिली फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये स्क्वाड वाइप हो चुकी थी, लेकिन भाई नंबर 3 ने जो है उसको भाई नंबर 4 को नहीं बचा पाया, मतलब वो
ठीक है, बगल में था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया इतना क्योंकि वो बंदों से फाइट लेने में बिजी था। अब फिलहाल दोस्तों हम जो है 500 लोगों का बंडल बंडल देख रहे होते हैं, वहां पे लूट करूंगा मैं जाता हूं भागते हुए, लेकिन मुझे दिख जाता है यहां पे ये मकड़ा, ठीक है, और साथ में ये लिजार्ड भी दिख जाता है छिपकला वाला, ठीक है। मैंने कहा ये स्पॉइडर मोन और यहां पे जो है इसको दोनों को मारूंगा। अब फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है एक साथ दोनों मॉन्स्टर से पंगे ले लेते और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब आप देख सकते हैं भाई मैंने एक बार एक मॉन्स्टर की आधी हेल्थ कर दी थी लेकिन भाई ये मेरे छिपकली चिपट जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर 3 ने मेरे को क्या धोखा दिया भाई, मतलब मेरे टीममेट ने, भाई वो तो पत्थर के पीछे जाके छुप गया और मैं इन दोनों से अकेला लड़ रहा था, मतलब वो दूर दूर से फाइट लड़ रहा था और मैं इनके आगे चिपट गया और भाई इन दोनों ने मेरे को मेरी जो चोटी रगड़ी भाई इन दोनों मॉन्स्टर ने, भाई रॉक क्रैब ने मेरे को सुपरमैन पंच दिया और मैं जो पत्थर के पीछे जाके रो पड़ा, मतलब मैंने कहा भाई बचा ले भाई बचा ले यार, लेकिन भाई वो बिल्कुल नहीं आता। नंबर 3 बोलता भाई अरे भागो और भाई वो चूरन की छुट्टी में ऐसा निकल जाता है। अब भाई ये तो निकल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा भाई जैसे मैंने गलती करी आप मत करना, अगर आप लोगों को मॉन्स्टर के साथ लड़ना है तो भाई आपको जो है थोड़ा देख के लड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट उनके जाके मुंह पे चिपट गए हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कवर ओवर लेना पड़ता है। मैं इसलिए चिपटा था क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरा टीममेट है तो एक को संभाल लेगा एक को मैं संभाल लूंगा, लेकिन भाई वो जब स्कैम कर देता तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब भाई वो मेरे को छोड़ के भाग जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।